दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड पर पांचवें दिन भी परिचालन ठप रहा। सीपीआरओ ने कहा कि जब तक जलस्तर कम नहीं होता तब तक परिचालन नहीं किया जा सकता। जिला में कमला बलान सहित अधवरा समूह की नदियां उफान पर है, इससे कई जगहों का सड़क संपर्क भंग हो गया है। वहीं ट्रेन परिचालन भी पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड पर चौथे दिन शुक्रवार को भी परिचालन बहाल नहीं किया जा सका। 7 जोड़ी सवारी गाड़ी व एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द रही। वही 4 जोड़ी गाड़ियों का आंशिक समापन समस्तीपुर मुजफ्फरपुर तथा बड़ौनी स्टेशनों पर कर देना पड़ा। वही लंबी दूरी की 14 ट्रेनों का परिचालन परिवर्तित मार्ग से किया गया। यात्रियों को आज भी परेशानी झेलनी पड़ेगी। बड़ी संख्या में यात्रियों को टिकट रद्द करा देना पड़ा। बीच के स्टेशनों से ही ट्रेनों के लौट जाने की वजह से खासकर शारीरिक रूप से लाचार महिला व बच्चों के संग सफर की तैयारी में बैठे यात्रियों को टिकट कैंसिल कराना पड़ा। अंतिम समय में टिकट रद्द कराने की वजह से आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ा। सनद रहे कि 31 अगस्त की दोपहर 1:30 बजे पुल पर पानी चढ़ाने की वजह से दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन बंद कर दिया गया था। इधर लगातार बढ़ रहे जलस्तर को देखते हुए शनिवार को भी इस रेलखंड पर परिचालन के सामान्य होने का आसार नजर नहीं आ रहे। वैसे रेलवे की ओर से अभियंताओं की टीम यहां कैंप कर रही है, पुल तथा नदी के पानी पर नजर रख रही है। बताया जाता है कि पुल का गार्डर पानी में डूब जाने की वजह से यह पता नहीं चल पा रहा है कि नीचे पिलर आदि सुरक्षित है या फिर पानी के तेज बहाव की वजह से उसमें कोई नुकसान भी हुआ है। इसी कारण ट्रेन परिचालन बंद रखा गया है। पानी घटने के बाद पुल की जांच की जाएगी और ऑल इज वेल मिलने के बाद ही इसे परिचालन के लिए फिर दिया जाएगा। लाइट इंजन या फिर मालगाड़ी को इससे गुजार कर इसकी विधिवत पड़ताल की जाएगी, तदुपरांत ही यात्री ट्रेन का परिचालन बहाल हो सकेगा। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कम्प्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी कांजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।